हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सबके सब अच्छे ही होंगे। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी के बारे में। गाइस, इस मूवी का ट्रेलर कल ही रिलीज किया गया है वेदांतिस मूवी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, फाइनली जैसे मूवी का वेट कर रहे थे हम लोग, एक ऐसी मूवी हम लोगों को देखने को मिलेगी 2024 में, जिसका बजट यार 600 करोड़ तक का है। तो यार बिना लेट के चलते इस मूवी के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। गाइस, जैसे ही हम लोग ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को काशी शहर दिखाया जाता है और हमें अमिताभ बच्चन हम अश्वत्थामा के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखते हैं, जिनके माथे पे वो मनी आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर बात करें हिंदू माइथोलॉजी की तो हमारे वेदों में मेंशन है कि जब कलयुग में घोर पाप बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु कल के नाम से अवतरित होंगे और हमारे कलयुग का अंत करेंगे और सत्युग का प्रारंभ करेंगे। तो महाभारत के टाइम पे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था कि तुम्हें पूरे कलयुग तक भटकना पड़ेगा इस संसार में, उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी बोला जाता है कि जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेके धरती पे आएंगे तब अश्वत्थामा भी उनका मदद करेगा कलयुग का अंत करने में। तो यार, इस मूवी का जो टाइटल है और अश्वत्थामा भैरव करके जो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, इससे पता चलता है कि यार मूवी हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। लेकिन एक चीज दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है कि यार आप लोग देख सकते हो यार फ्यूचरिस्टिक गन वगैरह यूज किया जा रहा है, मतलब कि बड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मूवी। तो मैं आपको बताऊं कि जब देखो कलयुग में जब भगवान विष्णु अवतरित होंगे तो यार ऐसा तो नहीं, हमारा अभी तो गन वन तो चलता ही डेवलप हो चुका होगा और ये मूवी फ्यूचरिस्टिक पे बेस्ड है, तो इसलिए आप लोग को ऐसा हथियार भी इस मूवी में देखने को मिल रहा है जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ। अब बात करें इस मूवी के बजट की तो ये 600 करोड़ बहुत ज़्यादा एक्सीड इसलिए हो जाता है क्योंकि जब फ्यूचरिस्टिक मूवी को कभी भी बनाया जाता है तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट का यूज होता है, जिसके कारण मूवी का बजट थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है। और बात करें इस मूवी के VFX की तो यार मतलब कि VFX में कोई बुराई नहीं है, VFX मेरे को खुद में बहुत पसंद आया। और जब भी कोई VFX वगैरह कार्टून टाइप का लगने लगता है ना तो पूरी मूवी बेकार हो जाती है, लेकिन इस मूवी में ये VFX कार्टून टाइप का नहीं लगता। लेकिन इस मूवी का जो बजट है वो 600 करोड़, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कुछ दिमाग लगा के इसका इतना बजट किया है, क्योंकि देखो ये मूवी माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिक्सअप है। और हॉलीवुड के बारे में बात किया जाए ना तो हॉलीवुड में अधिकतर लोग सुपर हीरोज की मूवी देखना पसंद करते हैं, जिसमें आपको प्रभास सुपर हीरो टाइप के भैरव कैरेक्टर को यहाँ प्ले करते हुए दिख रहे हैं इस मूवी में। तो ये मूवी टारगेट कर रही इंटरनेशनल व्यूअर्स को, इंटरनेशनल कलेक्शन को टारगेट कर रही है। और हाँ, लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत लोग ऐसी मूवी को देखना नहीं पसंद करते हैं, बहुत मतलब कि गिने चुने व्यक्ति है जो इस मूवी को देखते हैं। लेकिन बाहुबली जैसी मूवी इससे चल गई क्योंकि उसमें थोड़ा देसी जैसा मिक्सअप था, लेकिन कल की मूवी में यही चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये थोड़ी टेक्नोलॉजी और सुपर हीरो टाइप का मूवी है, लेकिन एक चीज आप इसमें देख सकते हो क्योंकि इसमें जो माइथोलॉजी के बारे में बताया गया है वही सबसे बड़ा टारगेट है इंडियन व्यूवर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, मतलब कि ये कारण बन सकता है कि इंडिया के सारे लोग वहाँ इस मूवी को देखने जाएंगे। और बात करें एक्टर्स की तो ऐसे एक्टर्स इन लोगों ने कास्ट किया है ना जिसे आप लोग रियल वर्ल्ड में आप लोग बहुत पसंद करते हो, जैसे अमिताभ बच्चन, इनकी मूवी कौन नहीं देखना चाहता। एक्टर प्रभास, यानी ये एक्टर जो हमेशा सलार में इसका कलेक्शन देख सकते हो यार, और उसके बाद आप पिछली मूवीज में बाहुबली में इनका कलेक्शन देख सकते हो यार, ये बहुत बड़े स्टार है। प्लस दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी जैसे इसने अलग अलग टाइप के एकदम पॉपुलर एक्टर को कास्ट किया गया, जो कि और ज़्यादा इस मूवी के चलने को प्रेरित करता है। तो मुझे लगता है ना भाई कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है 2024 का। लेकिन हाँ, अगर ये मूवी फ्लॉप कर जाती है ना तो सबसे बड़ा झटका लगेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस टाइप से इस मूवी को बनाया है ना, इनका एम पैसा कमाना नहीं है मुझे लगता, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ डिलीवर किया जो पब्लिक को चाहिए। और हाँ, लेकिन एक होप तो रहता है ना कि
इतनी अच्छी चीज को मैंने बनाया तो उससे मुझे कुछ प्रॉफिट मिले। 600 करोड़ ऐसे डुबा देना, उड़ा देना, ये तो कभी किसी का टारगेट रहता नहीं। लेकिन आई होप ये मूवी चले। और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी का ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे या नहीं ये भी हमारे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।